नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लोट्रिमेजोल क्रीम आईपी के बारे में। दोस्तों, ये जो तो क्लोट्रिमेजोल आता है, ये एक एंटी फंगल दवा आती है जो कि क्रीम के फॉर्म में आती है और ये अपनी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। चूंकि ये क्रीम की फॉर्म में आती है तो ये अपनी बॉडी पे जैसे स्किन पे ही लगाई जाती है और स्किन पे इसको पतली परत में लगाई जाती है ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स होते हैं जैसे इचिंग, खुजली चलना, रेडनेस आना, इरिटेशन होना, जलन होना, तो ये सारी साइन सिम्टम्स को ठीक करती है और फंगल इन्फेक्शन को धीरे धीरे ठीक करने लग जाती है। दोस्तों, ये जो क्रीम आती है ये एक्सटर्नल यूज के लिए ही आती है तो इसको हमेशा एक्सटर्नल यूज में ही काम में लें। हमेशा इसको आंख से, नाक से और मुंह से दूर ही रखें। अगर गलती से आंख पे या फिर नाक पे या फिर मुंह में लग भी जाए तो इसको तुरंत रनिंग वाटर से वॉश कर लें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स कुछ इसके मेनली तो आते नहीं है और अगर कभी आ भी जाए तो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं जैसे बर्निंग सेंसेशन, जहाँ पे एप्लीकेशन साइट पे आपको जलन फील होने लग जाती है, या फिर रेडनेस देखने को मिल सकती है, इरिटेशन देखने को मिल सकती है, या फिर वहाँ की जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, ड्राई स्किन हो सकती है, या फिर इसके वहाँ पे पेन मतलब दर्द भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस है या फिर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स है जिसको ये दवा बिल्कुल भी यूज में नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई मदर है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है तो उसको इस दवा का प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनमें ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकती है। दोस्तों, अगर आप क्लोट्रिमेजोल क्रीम लगाते हो और लगाते ही आपकी बॉडी में जैसे रेडनेस होने लग जाए पूरी बॉडी, या फिर इचिंग, खुजली चलने लग जाए, आंखों से, नाक से पानी बहने लग जाए, या फिर बार बार स्नीचिंग, छींके आने लग जाए, तो इस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ड्रग है ये आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही है। तो इस कंडीशन में आप उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दवा को कंटिन्यू रखते हैं तो इस कंडीशन में ये ड्रग आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन से शो कर सकती है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, हमेशा कोई भी दवाई का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करें, अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।